साहब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज भी एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पिलर्स तैयार हो रहे हैं जो उस ब्रिज के काम आएंगे, ऊपर रखे जाएंगे, इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी। तो चलते हैं, आज ये भी देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से पिलर तैयार हो रहे हैं रेलवे के लिए और क्या काम चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया कर ली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स आती रहें आने वाली तमाम वीडियोज़ की। तो मेरे दोस्त, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सरफेस बना दी गई है, ऊपर पिलर तैयार कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो आगे ब्रिज पे काम आएंगे और उसके ऊपर से ट्रेन चला करेगी। तो एक ये सरफेस तैयार है, उसके बाद जो है पूरा जाल बनाया जा रहा लोहे का, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो है ये पूरा जाल लोहे का बनाया जा रहा है पिलर के लिए। ये जनाब, और उसके बाद जो है पीछे लकड़ियां लगा के उसको फिल किया जाएगा। तो समझिए, आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। इसको लकड़ी लगा के फिल किया जाएगा और उसके बाद इसको भरा जाएगा और उसके बाद पूरा पिलर तैयार होगा। ये देखिए, ये लकड़ी लगा के इसके अंदर से फिल करेंगे और इसके बाद फाइनल में ये आपके सामने कुछ पिलर्स दिखा रहा हूँ जो तैयार है, सब हो चुके हैं। ये देखिएगा, आने वाले चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि ये पिलर जो है वहाँ पे रखे रख दिए जाएंगे और पूरा जो है ये पिलर पुल तैयार हो जाएगा। पुल तैयार होने के बाद ट्रैक डाला जाएगा, उसके ऊपर से ट्रेन पास होगी। तो उम्मीद करते हैं जल्दी काम ख़त्म होगा और जल्द हमें वहाँ पे ट्रेन चलती हुई नज़र आएगी। पाकिस्तान रेलवेज। काम के हिसाब से अपडेट्स कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ आपको मैं दूँ, ताकि लोग पॉजिटिव भी सोचें रेलवे के बारे में, ना कि आने वाले जो आए दिन हादसा हो रहे हैं नेगेटिव ही कमेंट्स हमें आते हैं, नेगेटिव ही लोग सोचते हैं। जारी बात है, क्योंकि हादसा रोनमा होना कोई अच्छी बात नहीं है। मुख्त जानी माली नुकसान होता है, रेलवे का भी काफ़ी नुकसान होता है, जानों का भी नुकसान होता है, और रेलवे की बहुत असर पड़ा है आमदनी में इससे, क्योंकि ट्रेनें आजकल काफ़ी खाली जा रही हैं, बुकिंग्स जो हैं वो कम होनी शुरू हो गई। जिस तरह से पहले देखा जाता था कि महीना महीना पहले भी बुकिंग फुल हो जाया करती थी, लेकिन अब जो है ट्रेनों में काफ़ी स्पेस है। कुछ ट्रेनें जो हैं वो खाली चल रही हैं, उनको जैसे शालीमार एक्सप्रेस का सुना जा रहा है कि वो बंद करने के प्लान कर रहे हैं या चेंज करने का प्लान कर रहे हैं रूट्स का। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या फैसला होता है इसके ऊपर। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव मेज रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। तो एक रिक्वेस्ट की जाती है कि छोटी सी कि सब्सक्राइब कर लिया करें, मेरे काफ़ी व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते और फिर शिकवा करते हैं कि आपने किसी चीज़ की अपडेट नहीं दी या पूरी डिटेल नहीं बताई। तो जहाँ वीडियोस आती हैं मैं डिटेल शेयर करता रहता हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में जो है वीडियोज़ बनाने का एक छोटा सा आपसे फेवर मांगते हैं कि यहाँ सब्सक्राइब कर लें। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। गर्मी बहुत है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है आज वीडियोस बनाते हुए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द एक जर्नी का प्लान है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।